जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता पंचम खंड का 39वां अध्याय, शंख चूड़ की सेना का सहार। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी, जब देवी भद्रकाली द्वारा युद्ध में घायल होकर शंख चूड़ पुनः अपने रथ पर जाकर बैठ गया, तब क्या हुआ? भगवान शिव ने, जो उस युद्ध में असुर राज शंख चूड़ का वध करने के लिए ही आए थे, क्या किया? कृपा कर मुझे इस कथा को सुविस्तार सुनाइए। व्यास जी की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए सनत कुमार जी ने कहना आरंभ किया। वे बोले, हे महामुने, जब देवी भद्रकाली ने असुर राज शंख चूड़ को उठाकर बलपूर्वक जमीन पर पटक दिया, तो कुछ समय तक शंख चूड़ इस प्रकार से धरती पर पड़ा रहा मानो मूर्छित हो गया हो। तब देवी जाकर दानवों पर प्रलय की भांति टूट पड़ी। दूसरी ओर कुछ देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें भद्रकाली और शंख चूड़ के इस भयानक युद्ध के बारे में बताया। ये सारी बातें सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। जब कल्याणकारी सर्वेश्वर देवादिदेव भगवान शिव अपने वाहन नंदीश्वर पर चढ़कर आरूढ़ होकर युद्ध स्थल में पधारे, तो उन्हें देखकर असुर राज शंखचूड़ ने उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात शंखचूड़ अपने विमान पर चढ़ गया और भगवान शिव से युद्ध करने की तैयारी करने लगा। उसने अपना रक्षा कवच पहना और युद्ध करने के लिए अपने हाथ में धनुष बाण उठा लिया। वह पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव पर दिव्यास्त्रों का प्रहार कर रहा था। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और असुर राज शंखचूड़ का भयानक युद्ध 100 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। महावीर और पराक्रमी शंखचूड़ ने अनेक शक्तिशाली बाणों और असंख्य मायावी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग शिवजी पर किया, परंतु परमेश्वर शिव ने उन सबको पल भर में काट दिया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर उस पर पुनः प्रहार किया। यह देखकर शंखचूड़ ने चतुराई से काम लेते हुए मन में सोचा कि यदि मैं भगवान शिव के वाहन को ही नुकसान पहुंचा दूं, तो वे पल भर में ही जमीन पर आ गिरेंगे और इस प्रकार मैं उन पर झपट कर उन्हें अपने वश में कर लूंगा। यह विचार मन में आते ही शंखचूड़ ने शिवजी के वाहन नंदीश्वर के सिर पर तलवार से वार किया, परंतु देवादिदेव ने क्षण मात्र में ही उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। अपने प्रिय नंदीश्वर को युद्ध में निशाना बनता देखकर उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने तेज बाणों से दैत्यराज की ढाल को भी काट दिया। जब तलवार और ढाल दोनों ही खराब हो गई, तब शंखचूड़ ने अपनी गदा से युद्ध लड़ना आरंभ कर दिया, परंतु गदा का भी हाल वही हुआ जो तलवार और ढाल का हुआ था। तभी देवी भद्रकाली वहां पहुंचकर राक्षसों को मारने काटने लगी। देखते ही देखते उन्होंने अनेकों वीर दैत्यों का संहार कर दिया, कई का रक्त चूस लिया और बहुतों को अपने मुख में डालकर जिंदा ही निकल लिया। अपनी विशाल दैत्य सेना का इस प्रकार सर्वनाश होता देखकर शंखचूड़ को अत्यधिक पीड़ा हुई। उसका दर्द तब और भी बढ़ गया जब उसने अपने साहसी वीर राक्षसों को प्राण बचाने के लिए जहां तहां भागते हुए देखा। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री रुद्र संहिता पंचम खंड का 39वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।